धन्यवाद स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आप अमृतसर से तमिलनाडु तक सबको टाइम देते हैं। आज अमृतसर को भी टाइम मिला, तमिलनाडु को भी टाइम मिला। तो स्पीकर साहब, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देश में अक्सर शिक्षकों की हड़ताल वगैरह, जैसे गेस्ट टीचर हैं, जैसे जेएनयू में अभी हड़ताल हुई थी, तो पंजाब में भी ऐसे ईटीटी और बीएड और टेट पास जो हैं वो पिछले 3 महीने से संगरूर में, मेरी कंस्टिट्यूंसी संगरूर है, वहां से शिक्षा मंत्री वहां से बिलोंग करते हैं, वो वहां पे हड़ताल करके बैठे हैं, उन पर लाठीचार्ज होता है। और पिछले दिनों हमारे शिक्षा मंत्री जो पंजाब के हैं, उन्होंने एक बहुत भद्दी लैंग्वेज गाली उनको दी, जिससे वो बहुत ज्यादा आहत हैं। और मैं ये चाहता हूं कि ईटीटी और टेट पास जो टीचर हैं उनका जो मसला है, क्योंकि देखो मैं खुद एक टीचर का बेटा हूं। टीचर को नेशन बिल्डर कहते हैं, कौम का चेता, लेकिन अगर उनको लाठियां पड़ेंगी, उन पर अत्याचार होगा, खासतौर पर वहां पे गर्ल्स टीचर भी हैं, वो आगे जाके कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे। तो मैं पंजाब सरकार की इस नलायकी पर, मैं आप मुझे यहां बोलना पड़ा स्टेट इशू, क्योंकि मैं चाहता हूं एचआरडी मिनिस्ट्री इसमें हस्तक्षेप करके वहां पे पंजाब में जो टीचर पिछले 3 महीने से ईडीटी और बीएड और टेट पास बैठे हैं उनका मसला हल करें, उनको नौकरी दो। स्कूल खाली पड़े हैं, टीचर हड़ताल पर बैठे हैं। तो पंजाब के इस मसले की तरफ ध्यान दिया जाए। आपके जरिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। इस चैनल पर चल रहे मुद्दों पर अपने विचार देने के लिए कमेंट करें और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।